शलोम, मसीह यशा में आप सबों की सलामती हो। तो आज हम बात करने वाले हैं, हमारे अजीज़ प्यारे मसीह भाई रोहित बदवाल गुरदासपुर एरिया से हैं, वो एक कमर्शियल म्यूज़िक व्हाट्सएप ग्रुप रन करते हैं यानी चलाते हैं, जिसका नाम है म्यूज़िक लवर्स और उसके एडमिन भी हैं, जिसमें मैं तो खास एक्टिव नहीं रहता, लेकिन भाई रोहित बद्दोवाल ने पर्सनली यानी ज़्याती तौर पर उस ग्रुप में से अचानक मुझ ही अकेले को रिमूव कर दिया, खैर वजह जो भी हो, मगर खुशी इस बात की है, इस बात के वसीले भी खुदा के नाम को जलाल देने का मौका मिला। निशान की तरफ दौड़ा हुआ जाता हूँ ताकि उस इनाम को हासिल करूं, जिसके लिए खुदा ने मुझे मसीह यस्सु में ऊपर बुलाया है। बस हम में से जितने कामिल हैं यही ख्याल रखें, और अगर किसी बात में तुम्हारा और तरह का ख्याल हो तो खुदा उस बात को भी तुम पर जाहिर कर देगा। वाह, हर हाल जहां तक हम पहुंचे हैं उसी के मुताबिक चलें। खुदा का शुक्र है जो ये होने के लिए वक्त पूरा हुआ। खुदा ने आपके वसीले व्हाट्सएप ग्रुप से रिमूव करवा के मुझे अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया। वजह चाहे जो भी हो, बस बात चाहे जो भी हो, मगर जो कुछ भी हो उसी के यानी खुदा बाप के जलाल के लिए हो। शुक्र है खुदा का जिसने आपके दिल को सख्त किया, क्योंकि फिरौन का दिल भी तो उसी ने ही सख्त किया था, और मैं फिरौन के दिल को सख्त करूंगा और अपने निशान और अजायब मुल्के मिस्र में कसरत से देखूंगा। मगर किताब मुकद्दस क्या कहती है? ये कि लौंडी और उसके बेटे को निकाल दे, क्योंकि लौंडी का बेटा आजाद के बेटे के साथ हरगिज वारिस ना होगा, क्योंकि लौंडी का बेटा आजाद के बेटे को सताता था। तुम कीमत से खरीदे गए हो, आदमियों के गुलाम ना बनो। हर जानदार उसके लहू की कीमत का खरीदा हुआ है, और हमें किसी इंसान की इज्जत नहीं करनी, हमें उस लहू की इज्जत करनी है, मसीह यशुआ के लहू की इज्जत करनी है, जिस लहू ने हर जानदार को ढका हुआ है। जब तुम चाहे वो मसीह में ईमान लाता है या नहीं, क्योंकि किसी पर वक्त पूरा हो चुका लेकिन किसी पर अभी बाकी है, जब तुम मसीह के साथ दुनियावी इब्तदाई बातों की तरफ से मर गए, तो फिर उनकी मानिंद जो दुनिया में ज़िंदगी गुजारते हैं आदमियों के हुक्मों और तालीमों के मुआफिक ऐसे कायदों के क्यों पाबंद होते हो? क्योंकि दरख्त फल ही से पहचाना जाता है, और अच्छा दरख्त बुरा फल नहीं लाता, और कोई भी बुरा दरख्त अच्छा फल नहीं लाता। ऐ सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर क्यों कर अच्छी बातें कह सकते हो? क्योंकि जो दिल में भरा है वो ही मुंह पर आता है। अच्छा आदमी अच्छे खजाने से अच्छी चीज़ें निकालता है, और बुरा आदमी बुरे खजाने से बुरी चीज़ें निकालता है, क्योंकि खुदा की बेवकूफ़ी आदमियों की हिकमत से ज़्यादा हिकमत वाली है, और खुदा की कमज़ोरी आदमियों के ज़ोर से ज़्यादा जोरावर है। और मेरे नाम के बाइस सब लोग तुमसे अदावत रखेंगे, नफरत रखेंगे, मगर जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो ही निजात पाएगा। जो आखिर तक अदावत को बर्दाश्त करेगा ना, वो ही निजात पाएगा। क्योंकि किताब मुकद्दस में फिरौन से कहा गया है कि मैंने इसीलिए तुझे खड़ा किया है कि तेरी वजह से अपनी कुदरत जाहिर करूं। तो आपको मुबारक हो रोहित भाई, और मेरा नाम तमाम रोए ज़मीन पर मशहूर हो। बस वो जिस पर चाहता है रहम करता है, और जिसे चाहता है उसे सख्त कर देता है। बस तू मुझसे कहेगा फिर वो क्यों ऐब लगाता है? कौन उसके इरादे का मुकाबला करता है? ऐ इंसान, भला तू कौन है जो खुदा के सामने जवाब देता है?
क्या बनी हुई चीज बनाने वाले से कह सकती है कि तूने मुझे क्यों ऐसा बनाया? क्या कुम्हार को मिट्टी पर इख्तियार नहीं कि एक ही लौंदे में से एक बर्तन इज्जत के लिए बनाए और दूसरा बेइज्जती के लिए? बस क्या ताजुब है, अगर खुदा अपना गजब जाहिर करने और अपनी कुदरत आशकारा करने के इरादे से गजब के बर्तनों के साथ जो हलाकत के लिए तैयार हुए थे निहायत तहम्मुल से पेश आया, और ये इसलिए हुआ कि अपने जलाल की दौलत रहम के बर्तनों के जरिए से आशकारा करे जो उसने जलाल के लिए पहले से तैयार किए थे। इसलिए कि अगर तुमने गुनाह करके मुक्के खाए और सब्र किया तो कौन सा फकर है? हाँ, अगर नेकी करके दुख पाते और सब्र करते हो तो ये खुदा के नज़दीक पसंदीदा है। और वो ये है कि मसीह जो जलाल की उम्मीद है तुम में रहता है, जिसकी मनादी करके हम हर एक शख्स को नसीहत करते और हर एक को कमाल दनाई से तालीम देते हैं ताकि हम हर शख्स को मसीह में कामिल करके पेश करें। लेकिन हमारे पास ये खजाना मिट्टी के बर्तनों में रखा है ताकि ये हद से ज्यादा कुदरत हमारी तरफ से नहीं बल्कि खुदा की तरफ से मालूम हो। हम हर तरफ से मुसीबत तो उठाते हैं लेकिन लाचार नहीं होते, हैरान तो होते हैं मगर ना उम्मीद नहीं होते, सताए तो जाते हैं मगर अकेले नहीं छोड़े जाते, गिराए तो जाते हैं लेकिन हलाक नहीं होते। हम हर वक्त अपने बदन में यस्सू की मौत लिए फिरते हैं ताकि यस्सू की जिंदगी भी हमारे बदन में जाहिर हो, क्योंकि हम जीते जी यस्सू की खातिर हमेशा मौत के हवाले किए जाते हैं ताकि यस्सू की जिंदगी भी हमारे फानी जिस्म में जाहिर हो। यशा में आपकी सलामती हो।